मैं देख रहा था जब बालिका को मैं नियुक्ति पत्र दे रहा था तो उस बालिका के मुंह से निकला कि खटाखट ये है जो आज हमें नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, वो नहीं जो अप्रैल मई के अंदर सुनने को मिल रहा था। अप्रैल और मई के अंदर भी आपने सुना होगा खटाखट क्या होता है, और उस समय एक एक लाख रुपए के बॉन्ड पत्र भराए गए थे। न वो एक लाख रुपया है, न उससे मिलने वाला 8,500 रुपया है, और खटाखट वाले भी अपने पिकनिक मनाने के लिए फिर निकल चुके हैं देश के अंदर। उनका कहीं अता पता नहीं है, होगा भी नहीं। ये लोग आएंगे फिर वही, जब मौसम आएगा तो फिर अपने मौसम के अनुसार फिर समाज को विभाजित करने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए, धोखे से लॉटरी अगर कभी लग गई तो फिर प्रदेश को नोचने के लिए। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट नहीं है, कोई पहचान का संकट नहीं है। उत्तर प्रदेश की टीम ने जो कार्य किया है और डबल इंजन सरकार का जो लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जो 2017 तक देश की छठी सातवीं अर्थव्यवस्था थी, आज नंबर दो की अर्थव्यवस्था बन चुकी है, और देश के किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अच्छी आर्थिक प्रगति करने वाला, इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में सबसे अच्छी ग्रोथ के रूप में जो राज्य आज के दिन पे आगे बढ़ रहा है वो उत्तर प्रदेश है। प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देता है वो उत्तर प्रदेश है। युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए योजनाओं को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने के लिए किए जाने वाले रिफॉर्म में अग्रणी उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के युवा के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने आज के दिन पे कोई पहचान का संकट भी नहीं है। आज तो आप देश के अंदर कहीं जाएंगे तो कहीं भी जाते हैं तो आपके सामने अब पहचान का संकट नहीं होता, लोग आपको शक की निगाहों से नहीं देखते, बल्कि 7 वर्ष में ये तस्वीर बदली जा सकती है। कुछ ही वर्षों में हम लोगों ने तस्वीर को बदला है। आज आप कहीं जाएंगे, उत्तर प्रदेश का नाम लेंगे तो लोग आज सम्मान की निगाह से देखते हैं, सम्मान देते हैं, और ये सम्मान आसानी से नहीं मिला। इसके लिए प्रयास करने पड़े। उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन की टीम को, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के साथ मिलकर के, और मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश की जनता को कि उन्होंने विश्वास करके बराबर अपना आशीर्वाद दिया, और उसका परिणाम क्या रहा कि हम लोग कठोर से कठोर निर्णय भी लेते रहे, जनता का समर्थन था, सहयोग था, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश की पहचान को बनाना था, और उस पहचान को आज जिस स्तर पर हम उठा करके देखे गए हैं आज उसी का परिणाम है कि देश के अंदर आपको सम्मान मिलता है। कहीं आप जाएंगे लोग अच्छी निगाहों से देखते थे, देखते हैं, लेकिन इससे क्या पहले 17 के पहले क्या स्थिति थी? नहीं थी। 17 के पहले आप कहीं जाते थे लोगों को पहले संदेह होता था, और हम लोगों ने देखा बहुत सारे जनपद ऐसे हैं जिन जनपदों में लोगों को, वहां का नौजवान अगर जाता था या वहां का कोई व्यक्ति बाहर जाता था तो धर्मशाला की बात तो दूर, होटल में पैसा लेकर के भी उसको कमरा नहीं मिलता था, ये स्थिति थी। किसी नौकरी के लिए, कहीं रोजगार के लिए, कहीं कोई व्यवसाय करने के लिए जाता था, लोग उसको तवज्जो नहीं देते थे, भगा देते थे। आज हम इससे उभरे हैं, आज लोग सम्मान की निगाहों से देखते हैं। देश और दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश का यूथ कहीं जाता, हमारा युवा कहीं जाता है, उत्तर प्रदेश का नागरिक कहीं जाता है तो उत्तर प्रदेश का नाम बोलने पर उसके चेहरे पर एक चमक दिखाई देती है कि अच्छा, उत्तर प्रदेश से आए हैं।
इस पहचान के लिए किए गए प्रयास का परिणाम है कि पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया के साथ आज आपको जोड़ा गया है और यह नियुक्ति पत्र आपको प्राप्त हुआ है। 1036 युवाओं को आज विभिन्न विभागों की जो नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराए गए हैं, इसमें चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की ओर से जो सहायक शोध अधिकारी के रूप में सांख्यिकी के 533 पद ऐसे हैं जिन पर उनको नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। लघु सिंचाई विभाग, संस्थागत वित्त के साथ ही नियोजन विभाग के लगभग 193 जगहों पर आवास, मत्स्य, पर्यटन, सहकारिता और कृषि विपणन आदि सबको मिला दिया जाए तो लगभग कुल 228 पदों पर और वन विभाग के 37 पदों पर आज नियुक्ति पत्र वितरण की कार्रवाई यहां पर एक साथ संपन्न की जा रही है। ये चीजें दिखती हैं, जितने भी 1036 युवाओं को ये नियुक्ति पत्र वितरित हुए हैं, शासन की मंशा आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए ये नियुक्ति पत्र उन्हें वितरित किए जा रहे हैं और इन युवाओं ने अपनी मेहनत से कार्य किया है, उसका परिणाम इनके सामने है। एक भी व्यक्ति ने, उसके परिवार के किसी सदस्य ने किसी से सिफारिश नहीं की होगी और न कहीं किसी प्रकार का कोई लेन देन किया होगा। क्या 2017 के पहले ये संभव था? कतई नहीं था, क्योंकि 17 के पहले तो चाचा और भतीजे में ही होड़ लग जाती थी कि कौन कहां से कितना वसूली कर ले। ये होड़ का ये जो सिलसिला चलता था कहां पहुंचा दिया था, उत्तर प्रदेश को किस रसातल पर पहुंचा दिया था। कोई भर्ती ऐसी नहीं थी जिसकी जांच न हो रही, कोई भर्ती ऐसी नहीं थी जिस भर्ती में न्यायालय को हस्तक्षेप न करना पड़ा हो, कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं इन्होंने अपनाई थी जिसमें कहीं पारदर्शिता और निष्पक्षता दिखाई देती हो। लेकिन आज इससे दूर हट करके उत्तर प्रदेश ने जो प्रणाली अपनाई है उसका परिणाम है कि हम लोगों को पिछले 7 वर्ष में लगभग 6.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में, 2 करोड़ से अधिक युवाओं को और उत्तर प्रदेश के अन्य तबके के जरूरतमंद लोगों को रोजगार के साथ जोड़ने में, जो निवेश का बेहतर माहौल बना है इसके साथ जोड़ने में हमें मदद मिली। और आज इसी का परिणाम है कि बेरोजगारी की दर उत्तर प्रदेश के अंदर आज न्यूनतम स्तर पर है।